हाँ जी पता है मैं इतना खुश क्यों हूँ, बिकॉज हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए एंड इट्स नॉट अ बिग नंबर बट फॉर मी इट्स ए रियली बिग नंबर, सो खुशी होना तो बनता है यार। एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जो भी मुझे सपोर्ट करते, जो भी मेरे ब्लॉग्स को डेली वॉच करते, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। एंड ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाते रहो, बहुत जल्दी ये बन के भी होगा। एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल यार, सच में बहुत बहुत खुश हूँ मैं। सो अभी हम लोग सोते लगभग 10 बजने को आ गए, तो अभी जल्दी से जाते सोने को। यार गाइस उठने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था और सो जाओ यार, लेकिन मन के हिसाब से चलेंगे तब तो बन गया डिसिप्लिन हमारा। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते। गाइस पता है मॉर्निंग में ना रोज हमारे बीच और हमारे मन के बीच लड़ाई होता है। मन कहता है कि और सो जा और सो जा और सो जा, 5 मिनट 10 मिनट और सो जा, और आप कहते हो कि नहीं मुझे उठने का है, मुझे काम है। अगर आप अपने मन के सुन के सो जाते हो देन वही पुरानी बात हो गई, हाँ सोचा था उठने का लेकिन मन किया तो सो गया। और एक बार अपनी खुद की सुन के उड़ जाते हो देन आप पूरे दिन को जीत जाते हो। तो वही चलो ज्ञान की बातें कम करते एंड अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो स्लॉट वन में हम सबसे पहले कवर करेंगे लॉ के रीडिंग, फिर होगा यूनिट 4 का 2 क्लास, फिर BCR का 2 क्लास। वैसे तो BCR क्लास में एक ही लेता हूँ, लेकिन कल हमने BCR क्लास नहीं लिए थे तो उसको कवर करने के लिए आज 2 क्लास ले रहे। लॉ की क्लास खत्म करके हम आ गए अपनी भूख मिटाने, अभी से खाते खाते BCR का क्लास लेंगे। और किसी ने तो पूछा था कि मैं BCR क्लास किससे लेता हूँ, तो मैं BCR क्लास IG सर से लेता हूँ फ्रॉम अन अकेडमी CA फाउंडेशन प्रो चैनल, जो कि YouTube पर फ्री में अवेलेबल है। और 8:30 बजे तक हमारी BCR की क्लास भी खत्म हो जाती है। एंड गाइज आज फ्रेंड्स लोग ने प्लान बनाए थे कि डिंडीगढ़ टेम्पल घूमने जाने का है। ये माउंटेन के एकदम टॉप पर ही वो मंदिर है जो कि हमारे घर से दिखता है, लेकिन अभी ये चिमनी के कारण नहीं दिख रहा है। एंड गाइज आज मैं फिर से लेट हो गया हूँ, तो जल्दी से रेडी होकर ऑटो पकड़ के जा रहा हूँ और फिर सबको साथ में मिलता है और फिर से ऑटो पकड़ लेते हैं वहाँ डिंडीगढ़ जाने के लिए। अब ऑटो वाले भैया इतने ऊपर जाने से ना आ रहा है तो हमें पैदल ही जाना पड़ता है। अमित कैसा लग रहा है चल के, थक गया? चल जल्दी चल, अभी बहुत चलने का, बहुत ऊपर है अभी। और विकास भैया तो आधे रास्ते में ही सो जाते एंड सच में गाइस सब के सब बहुत थक गए थे चल चल के। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं, बस थोड़ा दूर और है। और हमारा लक होता है कि मंदिर में जरा भी गर्दी वगैरह नहीं था। अब मंदिर में दर्शन करके थोड़े बहुत फोटो वगैरह निकाल के हम चल पड़ते इस एरिया को एक्सप्लोर करने को। और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश को देख के हम लोग बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। बारिश के मज़े लेने के चक्कर में हम लोग पूरी तरह से भीग जाते और मेरा फ़ोन भी वीडियो के चक्कर में। कैसे लगा सबको भीग के? हाँ दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है। चलो एक शायरी सुनाओ। गर्दा मचाएगी, शायरी शायरी। हाँ गर्दा मचाएगी हमने। चलो तो इसी बात पे विकास भैया हम लोग को शायरी सुनाते। अगर वो भी दूर चली गई मुझसे मेरे बाबा, तो जिंदगी बड़ी अधूरी होगी। आया हूँ एक फरियाद लेके दर पे, बता दे क्या मेरी भी मुराद पूरी होगी। और घूम फिर के हम फिर से ऑटो पकड़ के घर पे आ जाते हैं। एंड गाइस लिटरली सच में बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। सो गाइस अभी बज रहे 5:20 और कुछ देर पहले ही मैं आता एंड मैं खाना वाना खा के रेडी हो गया हूँ, तो जल्दी से अपने अकाउंट का प्रैक्टिस स्टार्ट करते। तक हमारे अकाउंट का प्रैक्टिस हो जाता है और फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद हम अपनी मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर देते हैं।
8:30 तक मैथ्स की क्लास भी खत्म हो जाती है और फिर ब्लॉग अपलोड करने को लगा देते एंड जब तक ब्लॉग अपलोड हो रहा है तब तक हम मेडिटेशन कर लेते हैं। एंड गाइज इस ब्लॉग को भी इधर ही एंड करते, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग को लाइक कर देना। हम लोग मिलते कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।